ये यूक्रेन से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। हमले में एक से ज्यादा जगह पर हमले हुए हैं। यूक्रेन के सरकारी अधिकारी के अनुसार रूस ने 75 मिसाइल दागी, जिनमें 41 को यूक्रेन ने हवा में ही कम से कम मार गिराया। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पहला हमला यूक्रेन के समय के अनुसार सुबह 9:45 बजे हुआ। यूक्रेन के अनुसार रूस ने रॉकेट और मिसाइल से कीव के कई ठिकानों को हमला बनाते हुए निशाना बनाते हुए हमला किया। हमले के बाद कई कारों में आग लगी, इमारतें ध्वस्त हो गईं। रूस का एक मिसाइल हमला कैमरे में भी कैद हुआ, जिसमें धमाके के बाद काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरे शहर में जगह जगह जलती हुई कारें दिखाई दे रही हैं, सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, ध्वस्त इमारतें दिखाई दे रही हैं। हमले को देखते हुए ट्रेनों को रोक दिया गया, अंडरग्राउंड स्टेशन को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 75 मिसाइलें दाग दी हैं, जोरदार विस्फोट की आवाजें जगह जगह सुनाई दी गई हैं। भारी नुकसान यूक्रेन को हुआ है, सायरन लगातार बजता हुआ आप सुन रहे हैं। रूसी सेना के अलावा पोलैंड सीमा पर लवीव और खमेल्स्की समेत कई शहरों को भी निशाना बनाया गया है।